नमस्कार दोस्तों, अनएक्सप्लेन्ड वर्ल्ड अवेलेबल की एक नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से मेरा एक ही अनुरोध है, सब्सक्राइब कीजिए अनएक्सप्लेन्ड वर्ल्ड अवेलेबल यूट्यूब चैनल को और पास की बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो का हर एक नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने के लिए मिल जाएगा। दोस्तों, लॉकडाउन के चलते कोई भी काम में नहीं जा पा रहा है, सभी घर बैठे बोरिंग हो रहा है। अब भी घर बैठे बोरिंग हो रहे होंगे और सोच रहे होंगे कि पैसा इनकम का घर बैठे कोई जरिया होता तो कितना अच्छा होता। तो दोस्तों, मैं एक ऐप को इस्तेमाल कर रहा हूँ खुद और मैं इससे पैसा अर्निंग कर रहा हूँ, सोचा कि आप लोगों से एक बार शेयर कर दूं। तो दोस्तों, एप्लीकेशन का नाम है फन एंड आर्ट, जिसमें बहुत सारा गेम दिया गया है। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक को चेकआउट कर सकते हो। दोस्तों, जैसे ही आप इस ऐप को ओपन करोगे, कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको दिख जाएगा, जिसमें आपको लैंग्वेज सिलेक्शन का ऑप्शन भी मिल जाएगा। तो आप अपने हिसाब से लैंग्वेज को चूज कर लीजिएगा। फिर आपको अपना नाम और अपना फोन नंबर को इधर एंटर करना है। जैसे ही आप इसको एंटर करते हो तो आपके पास एक OTP आएगा, यानी वन टाइम पासवर्ड आ जाएगा। फिर इस रेफरल कोड को आपको इधर एंटर करना है और साइन अप कंप्लीट कर लेना है। जैसे ही आपका साइन अप कंप्लीट हो जाएगा तो आप गेम को आराम से खेल सकते हो और खेल के अपना पैसा जो है वो अर्निंग कर सकते हो। दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में एक रेफरल कोड भी दिया गया है, अगर इस कोड को आप इस्तेमाल करते हो साइन अप करते हुए तो आपको मिल जाएगा 50 लाइव, यानी लाइव जिससे आप गेम को खेल सकते हो और पैसे अर्निंग कर सकते हो। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, किस बात की देरी है, जाइए जाके डाउनलोड कीजिए और खेलिए फन एंड अर्न। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के टॉपिक की ओर। आज का हमारा ये धरती कितनी शानदार है, चारों ओर पेड़ पौधे, कई तरीके की जानवर मौजूद है, जिसमें सबसे बुद्धिमान जीव भी शामिल है, हम इंसान। पर क्या ये धरती पहले से ही इतनी शानदार थी? आइए जानते हैं धरती जिसके नजारा देखते ही बनता है। तो क्या ये धरती पहले से ही इतनी शानदार थी? तो उत्तर है बिल्कुल नहीं। करोड़ों साल पहले जब धरती बनी थी तब वो जलता हुआ आग का एक गोला था, और हम सभी जानते हैं जिस प्लेनेट में बरसों से आग जल रही हो उसमें जीवन चक्र संभव होना नामुमकिन है, क्योंकि जीवन को बनाए रखने के लिए लिक्विड ओशन का होना बहुत जरूरी है। पर जहां चारों ओर सिर्फ आग ही आग हो, वहां पानी संभव कैसे हो सकता है? तो धरती में वो पानी आखिर आए कहां से? सालों से लाखों परीक्षण करने के बाद बहुत सारे वैज्ञानिक मानते हैं धरती का वो लिक्विड वाटर बाहरी अंतरिक्ष से आए थे, यानी आउटर स्पेस से पानी आया था धरती में। साइंटिस्टों ने बाहरी अंतरिक्ष में बहुत सारी बर्फीले चट्टानों को तैरते देखा है, इसको आइस कॉमेट भी कहा जाता है। साइंटिस्टों का मानना है जब भी कोई आइस कॉमेट धरती के सामने से गुजरता है, गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से वो धरती के वायुमंडल से टकरा जाता है। वायुमंडल के संस्पर्श में आते ही कॉमेट की सरफेस गर्म हो जाता है, और धरती में टकरा जाने के साथ ही एक लिक्विड ओशन जन्म लेता है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले एक धमाकेदार एपिसोड के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। देखते रहिए अनएक्सप्लेन्ड वर्ल्ड अवेलेबल।